हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट लगती कहाँ है और कौन सी क्लच प्लेट बढ़िया होती है। तो ये हमारी क्लच मोटर है, ये ज़्यादातर कपड़े की सिलाई में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्लच मोटर पे जो भी हम मोटर लगाएंगे, मोटर यूज़ करते हैं, उससे मोटर पे हमें जो क्लच प्लेट लगती है वो कौन सी है, तो इसी पे है वीडियो हमारी। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम जब क्लच प्लेट लगाते हैं तो हर मोटर की अलग अलग क्लच प्लेट लगाई जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी क्लच प्लेट बताऊँगा जो हर मोटर में वही लगेगी। तो ये कैसे होगी, तो चलो हमारे पास सिंपल पड़े हुए हैं, मैं आपको कुछ सिंपल दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो सिंपल पड़े हैं तीन हैं, एक दो तीन, यही तीन सिंपल लगते हैं ये क्लच मोटर पे। इस मोटर पे ये तीन सिंपल लगते हैं। तो इन्हीं सिंपलों पे जो हम यूज़ करते हैं, तो कुछ इस प्रकार हमारा क्लच प्लेट होता है। इसको झुक्की कार के भी कहते हैं, क्लच प्लेट भी कहते हैं, तो सब अलग अलग कहते हैं। तो तीनों साइज होती हैं, ये दूसरी साइज हो गई और तीन साइज हो गई, ये तीन साइज हैं। तो इन्हीं तीनों साइज में एक साइज मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो इन सब की छुट्टी कर देगा, एक ही साइज किसी भी मोटर में फिट हो जाएगी। तो इनमें सब होल का अंतर होता है, पहला होल तो ये देख रहे हो इसका भी अंतर है, और दूसरा ये होल इस साइड का होता है इसकी है, और जो तीसरा होता है ये कुछ इसी टाइप में, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसी टाइप पे है, होते हैं। तो इन सबको हटाना है और हमें एक नया क्लच प्लेट मैं आपके लिए बताऊंगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मोटर हमारी कोई भी क्लच मोटर होती है तो उसमें अलग अलग से ये क्लच प्लेट लग जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास जो क्लच प्लेट है मैं आपको बताऊंगा, वो क्लच प्लेट इन सब साइज़ों में फिट हो जाएगी, चाहे ये साइज़ हो, चाहे ये साइज़ हो और चाहे ये साइज, इन सब में ही ये यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारे पास क्लच प्लेट है इसको आप कहीं भी फिट, ये है ये क्लच प्लेट किसी भी जो कि मशीन में फिट हो जाएगी। तो इसमें जो तीनों साइज दिए हैं, तीनों साइज इसमें फिट हो जाएंगे। तो हम पहले आपको दिखा रहे हैं, अगर ये साइज का होगा, अगर ये साइड साइड में होल होगा तो इसमें देखो कटिंग दे रखा पहले से ही, ये देख रहे हो आप। मैं इसका सिंपल दिखाता हूँ, दूसरा निकला हुआ देखो। तो अगर ये राउंड साइड होगा तो ये देख रहे हो यहाँ पर एक होल ये है, तो इसी पे फिट हो जाएगा देखो, तो ये इसी पे बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये एक साइज ये हो गया, अब आपको देख रहे हो बिल्कुल इसका होल मिल रहा है, तो उसी में आपको टाइट कर देना है। तो ये होल इसमें मिल गया। अब हम दूसरी टाइप आपको दिखाता हूँ, एक साइज ये है तो इसको भी आसानी से हम मिला सकते हैं, ये देखो इस पर ये मिल गया। तो एक साइज़ तो ये हो गया, ये भी सही होल बिल्कुल फिट हो जाएगा, ये भी देखो बिल्कुल मिल रहा है। तो ये दूसरी साइज हो गया। अब आपको हम तीसरी साइज दिखा, तीसरी साइज ये भी बिल्कुल इसी तरह से ये लगा दिया जाएगा। तो ये तीसरी साइज हो गया। तो ये जो क्लच प्लेट है ये तीनों प्रकार की जो झुक्की क्लच प्लेट होती है तीनों साइज में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप यही खरीदना है। तो इसको एडजस्टेबल क्लच प्लेट बोलते हैं। तो ऐसे ही प्लेट आपको लाना है, ये हर झुक्की मोटर में ये फिट हो जाएगी, अन्यथा आप अगर ये सब चीज़ के लाएंगे तो ये आप परेशान हो जाएंगे, आपका ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आपको यही प्लेट लेनी है, इन सबको नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान देना है, इन सबकी छुट्टी करना है, क्योंकि सब क्लच मोटर की अलग अलग होती हैं। तो हमें यही इसी तरह लेना है, आपको ये ध्यान देना है, ये सबसे बढ़िया है, इसी को आपको लेना अनिवार्य है, बाकी इस चीज़ को हटा दो, इसी को आपको लेना है। तो इन सब की छुट्टी कराओ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।